मैं मनु है एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट. सबसे ज़्यादा गंदी फीलिंग कब आती है? जब बंदा मोटा होता है, व्हेन यू शॉप, जब बंदा ट्रायल रूम में जाता है और कोई ड्रेस पसंद हो और तुम ट्राई कर रहे हो और तुम्हें फिट नहीं आएगी, छोटी होती है. कि जनरली जो भी ब्यूटीफुल ड्रेसेस होती हैं वो जनरली परफेक्ट बंदों के लिए बनी होती है, मोटो बंदों के लिए नहीं बनी होती. सो सबसे गंदी वाली फीलिंग होती है जब तुम ट्रायल रूम में जाते हो. अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाहूँगी. जब मैं बहुत ज़्यादा हैवी थी, आई वॉज अराउंड 100 kgs. सो आप इमेजिन कर सकते हो मेरे को अपने आप को कि कितनी ज़्यादा मोटी होंगी. और दैट फैट पूरी बॉडी, मतलब बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड बंदा होता है. सो वैसे वाला था. सो उसमें सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें क्या आती हैं, तुम खाना बहुत खाते हो, बहुत भूख लगती है 10 मिनट के बाद फिर से. ऑब्वियसली बंदा तभी मोटा होता है, या तो जेनेटिकली मोटा होता है या बंदा खाता बहुत है, तब इंसान मोटा होता है. सो मैं खाती बहुत थी, बहुत ज़्यादा पाड़ी, मतलब हाँ, आई डोंट लाइक जंक फूड एट ऑल, बट वैसे ही खाना बहुत खाना. सो बंदा पुट ऑन करता 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 उसको खुद ही रियलाइज़ नहीं होता कि वो कहाँ पहुँच गया. जब तक रियलाइज़ होता है बहुत बहुत साल निकल जाते हैं उस सब चीज़ों में. मैंने छोटे से अपने जिम से शुरू करी, पंचकुला में ही है 16 सेक्टर में छोटा सा जिम, उसमें मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, फिर देन 45 मिनट्स. इतना ही कर पाती थी, ज़्यादा नहीं कर पाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली कभी जिम नहीं गए, कभी देखा ही नहीं इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडमिल पर कैसे वॉक करनी है. रनिंग तो बहुत दूर की बात है, बट ट्रस्ट में मैंने आज तक रनिंग करी नहीं. इट्स बीन मोर देन 2-3 ईयर्स, मैंने कभी रनिंग नहीं करी. मुझे लगता है कि रनिंग से तुम्हारा स्किन लूज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा. लड़कियाँ हैं रनिंग पे, रनिंग वॉक में, वॉक करने के बजाय आएंगी सीधा ही रनिंग करनी शुरू कर दी. बट मैं नहीं प्रेफर करती. मैं कहती इनक्लाइंट पे जितनी वॉक कर सकते हो उतनी कर लो आप. बट हाँ, अभी तो आई एम वेरी एक्सपर्ट, बट पहले नहीं थी. पहले तो नॉर्मल भी वॉक नहीं हो पाती थी, पकड़ के ट्रेडमिल को तब वॉक करते थे हम. सो धीरे धीरे शुरू किया, फिर अपनी कोचिंग पे ध्यान दिया, अपनी डाइट पे ध्यान दिया. सो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो फर्स्ट और 2 मंथ्स होते हैं ना, उसमें ना बॉडी का, लेट्स सपोज यू आर 90 kg, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल. सो उसमें ना एकदम से तुम्हारा वेट ना रिड्यूस हो जाता है. सो यू ड्रॉप डाउन टू लेट्स सपोज 80, 10 किलो तुम्हें 2 महीने में उड़ा दिया. यू आर वेरी हैप्पी कि 2 महीने में मेरा सारा लॉस हो गया, बहुत अच्छी मैं ट्रैक पे चल रही हूँ. या और एंथुसियाज्म होता है, और एंथु हो जाता है, और मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है कि मेरा वेट रिड्यूस बहुत जल्दी हो रहा है, वेट लॉस बहुत जल्दी हो रहा है. बट वो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो आपकी बॉडी से ड्रेन होना. सो उसके बाद क्या होता है, एक बॉडी स्टेबल हो जाती है, एक वर्कआउट एक लेवल पे आके यू आर स्टेबल. कि अगर आप 60 पे आके रुक गए, 70 आप आके रुक गए, तो वो स्टेबल हो जाता है. सो दैट इज़ द टाइम फॉर योर कंटिन्यू द जिम, कंटिन्यू द वर्कआउट और गिव अप. सो वो दो सिचुएशंस आपके सामने खड़ी हो जाती हैं कि यार अभी तो बहुत लोग होते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा, या तो जिम आना छोड़ देंगे, या फिर आपके कोच को, सबसे पहले अपने ट्रेनर को, सर मैं तो रोज़ जिम आ रहा हूँ, मैं तो रोज़ जिम आ रही हूँ, बट मेरा वेट तो कम नहीं हो रहा. सो वो ना डीमोटिवेशन लेवल हो जाता है, डीमोरलाइज हो जाते हैं कि अब नहीं कम होगा. सो जहाँ तक है इतनी तक ही है, बट नहीं, दिस इज़ नॉट द केस. ये आपके मिथ है कि एक स्टेबल हो जाता है. येस, वो सबकी बॉडी में होता है, इट्स नॉट अबाउट ओनली वन बॉडी. मेरे साथ हुआ, सबके साथ होता है. वो स्टेबल होने का मतलब ये होता है कि वो अब आपके मसल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, राइट. सो जब आपका एक्स्ट्रा वाटर डिटेन हो जाता है सारा बॉडी में से, सारा ड्रेन आउट हो गया, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी बॉडी, अपनी टोनिंग के तरफ ध्यान देते हो. सो ऐसे मेरे साथ हुआ. लड़कियों को होता है कि मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी. मैं दिन में 2 टाइम वर्कआउट करती थी. मॉर्निंग में मैंने करना है सिर्फ स्ट्रेंथ, अपने कार्डियो, देन एब्स एंड साइड्स, मतलब जो कोर का वर्कआउट है उसी में फोकस रखती थी, क्योंकि 1-1.5 घंटा मॉर्निंग में होता है. फिर उसके बाद इवनिंग में ओनली एंड ओनली स्ट्रेंथ, एक मसल एक दिन में. सो कोई भी मसल आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी रख लो. इट्स नॉट अबाउट कि मंडे को हमने चेस्ट लगानी है तो चेस्ट ही लगानी है. सो ये आपके ऊपर है, आपका कौन सा मसल आपको लगता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा है और वो जो ट्रेन करना है. सो क्यों ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसमें? क्यों, अगर आप कार्डियो ही करते रहोगे आपकी बॉडी बहुत लूज़ हो जाएगी. स्पेसिफिकली गर्ल्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे ब्रेस्ट बहुत लूज़ हो जाती है, जो आपका स्टमक का फैट है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, थाइज हैं, बट्स हैं, वो बहुत ऐसे लगेगा कि अब कपड़े पहने हैं तो ठीक है, यू आर लुकिंग गुड,
टाइट लग रहे हैं, बट नहीं, बट ऑब्वियसली जब तुम अपने आप को देखोगे शीशे में तो बहुत लूज हो जाती है. इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स ऑल्सो. सो क्यों ज़रूरी है? टोनिंग के लिए. अगर आप स्ट्रेंथ करते हो तो ये नहीं है कि मैंने मसल बना लिए जी, मैंने डोले बना लिए, मैंने बाइसेप बना लिए, मैंने पूरी बॉडी करने के लिए मेरी चेस्ट आ गई है बाहर, मेरे टोन अप तो चलो एब्स आ गए, सिक्स पैक्स हो गए. सो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं उसमें. सब चीज़ें होती हैं आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से कर रहे हो. अगर हैवी वेट उठा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली मसल भी आएंगे. बट यस, इसमें एक चीज़ और कवर करूँगी मैं कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आपका जेनेटिक आप कैसे हो, आपका मेटाबॉलिज्म रेट कैसा है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है. ये सब चीज़ें मैटर करती हैं अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग की तरफ से देखो तो. ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आप बॉडी बिल्डर ही बनोगे, आपके मसल ही आएंगे. ये टोनिंग के लिए आपकी होती है. बहुत पतली लड़कियां भी अपने जिम में देखी होंगी. मैं भी बोल देती थी आपको जिम आने की क्या ज़रूरत है, आप तो पहले ही इतनी फिट हो, आप तो पहले ही इतनी पतली हो. बट वो लीन होती हैं, वो ज़ीरो फिगर उनका होता है, बट वो टोन्ड नहीं होती है. फ्लैट बॉडी, आगे से पीछे से बिल्कुल फ्लैट बॉडी. सो इस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ ज़रूरी है. अगर स्क्वाट लगाते हैं तो वो शेप अप के लिए लगाते हैं. सो हर चीज़ का एक लॉजिक है, हर वर्कआउट का एक लॉजिक है. सो मैं भी उसी तरीके से चली, मैंने भी अपना लाइफस्टाइल उसी तरीके से ही बनाया कि मॉर्निंग में मैंने अपना कार्डियो रखना है, कोर वर्कआउट पर ध्यान देना है, और इवनिंग में स्ट्रेंथ. क्योंकि अगर बैलेंस करोगे, देखो किसी के पास टाइम नहीं होता, मॉर्निंग में भी जा पाएं जिम और इवनिंग में भी. मेरे पास था, मैं मैनेज कर रही थी. सबसे ज़्यादा हेट कब होती है जब मैं ट्राई रूम में जाती थी. सो उस टाइम और कोई गेट टुगेदर में जाना, किसी पार्टीज में जाना, वो इग्नोरेंस होता है. मोटा बंदा अभी भी आप कहीं भी देख लो, मोटा बंदा कभी अप्रिशिएट नहीं होगा किसी भी ओकेजन पे, राइट? क्योंकि पहली बार तो उस पर अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी. यहाँ से बल्ज निकला होगा, यहाँ से टायर निकला होगा, मुंह यहाँ जा रहा होगा, आम जैसे लटकी होंगी. सो वो सब चीज़ें मैंने भी फेस करी अपनी लाइफ में, सब ही करते हैं. सो जब मैं फिट हुई, वही बंदे हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, येस आई नो यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, मैसेजेस आते हैं मुझे लोग बहुत बार. हाँ, एक एग्जाम्पल और मैं शेयर करना चाहूँगी. वी वेंट टू दिल्ली इन एक्सपो. एक लड़का दो बार क्रॉस हो गया, मतलब पास में हो गया, फिर दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार उसने बुलाया, आप शायद अनु हो? मैंने कहा यस आई एम अनु. कहता आपने तो बहुत अच्छा मेकओवर कर लिया, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो अब. सो ये सब चीज़ें अभी भी मैं फेस करती हूँ अपनी लाइफ में. बहुत मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं. जो लोग पहले बुलाना भी पसंद नहीं करते थे, अब वो बोलते हैं कि एक बार मेरे से बात कर ले, एक बार मेरे को हाय ही बोल दे, हेलो ही बोल दे. अभी भी बहुत सारे मैसेजेस बॉयज़ के स्पेसिफिकली आते हैं, बट नहीं, वो मेरा लाइफस्टाइल नहीं है. सो अगर मैं बात करूँ तो अभी बहुत फ़र्क आता है फैट टू फिट में. सो अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाओ कि पीपल वुड अप्रिशिएट यू फॉर योर हार्ड वर्क, फॉर योर एवरीथिंग. सो अगर मैंने अगर फिटनेस लाइन में मैं आई हूँ अभी इसमें, सो मैं अपना इसको एज ए करियर भी, एज ए पैशन भी इसको लेती हूँ. सो जब तक मैं जिम ना जाऊँ मेरा डे कम्प्लीट नहीं होता. सो मुझे लगता है कि अगर मैं जिम इन केस किसी भी रीज़न से मिस हो जाता है, सो अपनी डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करूँ. सो थोड़ा सा ऐसे रखता है. सो इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं उस चीज़ में ज़्यादा फोकस हो गई हूँ तब ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ इसलिए, बट नहीं, अपने आप को बैलेंस रखना पड़ता है. सो मेरे तो सबसे ही रिक्वेस्ट भी समझ लो, सजेशंस भी समझ लो या एडवाइस ले लो. लड़कियों को फिट होना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं हो तो आपको कोई भी लाइक नहीं करता. बंदे बोल देंगे नहीं नहीं बड़ी क्यूट लग रही है, बड़ी टेडी सी लग रही है, बट ये ऐसा नहीं होता. वो सिर्फ उनको एक ही बार में लगता है कि टेडी सी हो गई है, क्यूट सी लग रही है. बट एट द लास्ट यू शुड हैव फिट फॉर योर बैलेंस, योर लाइफस्टाइल, फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल. अगर आप फिट रहोगे तो आपकी लाइफस्टाइल भी वैसी है, आप जियोगे भी ज़्यादा, कोई बीमारी नहीं लगेगी पहली बार तो, ओबेसिटी में नहीं आओगे, कोई स्ट्रेस नहीं होगा. स्ट्रेस तो जिम चले जाओ, अपने आप ही स्ट्रेस दूर हो जाता है. सो इसलिए बेटर है कि अपना जिम नहीं जाना, कोई प्रॉब्लम, वॉक कर लो, जुम्बा ज्वाइन कर लो, एरोबिक्स कर लो, योगा कर लो, बहुत सारी और तरीके हैं आपको फिट रखने के. सो ज़रूर जाओ, ज़रूर कुछ ना कुछ आपका आउटपुट बॉडी में से होना चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. आई एम ऑन रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट.